अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने लगे हैं फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। ये है उसके लिए मिक्स मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, ये नमक, एक चम्मच नमक, और ये एक चम्मच गरम मसाला, साथ एक चम्मच ही कुटा हुआ लहसुन, ये आधा कप पानी, आधा कप की सूजी, इसको हमने ग्राइंड करके थोड़ा बारीक कर लिया। ये है कॉर्नफ्लोर 1.5 से 2 चम्मच, और ये हमने आलू लेके इसको मैश कर लिया, कद्दूकस कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है। आज अब हम शुरू करते हैं। घी गर्म हो जाएगा तो फिर हमने डाला है इसमें कुटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा लहसुन को हल्का सा भून के फिर हम इसमें पानी शामिल करते हैं। इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से उबाला जाए, इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, तो हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, दाल आ रहा है हमारे पानी को, अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पिसी हुई सूजी, थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, मिक्स हो जाए ताकि ये हल्की आंच पे पक जाए, फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। इसका चूल्हा बंद कर देंगे, अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे। ये एक आलू है बड़े साइज का मैश किया, ये मिक्स हो गया। अब हम थोड़ा सा चूल्हा और जलाएंगे ताकि अगर कोई पानी या नमी है तो इसकी तो वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह। अब अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे, थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह। घी छोड़ रहा है, ये खुश्क हो रहा है इसका पानी, चलो जी अब ये तैयार हो गया। अब इसे 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये हमारा कुछ ठंडा हो गया, इसमें अब हम धनिया मिक्स करेंगे, इसका
धनिया मिक्स करेंगे इसमें अच्छी तरह, और इसको अच्छी तरह मसल कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से जोड़ने के लिए ना हम कॉर्न फ्लोर की एक चम्मच डालेंगे, डेढ़ चम्मच डाल दिए। अगर ये सही रह गई तो ठीक, नहीं तो एक का चम्मच हम और डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। सही हो गया है, लेकिन थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर हम और डालेंगे, सही तरीके से जुड़ जाएगा। ये जब साफ सुथरा हो जाए, पेट को छोड़ने लग जाए, फिर समझें ये तैयार है पकने के लिए। अब देखें ये बिल्कुल तैयार है, सही हो गया। ठीक है, अब हम इसको बेलेंगे। अच्छा, अब हम इसको इसके दो हिस्से कर लेंगे। पेड़ा बना के हम इसका इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे ताकि इसको चिपके ना। इसको बेल लेंगे। हमने दरमियान दरमियान से निकालना है, साइडों की खैर है, जैसे भी हो हमने दरमियान से भी सही से निकाल लेंगे गोल भी। हम ऐसे करके गोल रिंग निकाल लेंगे सारे, फिर हम ये छोटे इसके साथ आपके पास भी जो हो घर में इस्तेमाल करें आप भी। अब हम ये हटा देंगे और इसको फ्राई के लिए तैयार कर लेंगे। अब हम देखें घी गर्म हुआ है या नहीं। बस ठीक ही है, हल्के गर्म में ही हम डालें ताकि सही से बन जाए। ये अब हमने रिंग बोल बना लिए सारे, अब हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से शैलो फ्राई हो जाए।
इसको अभी छेड़ना नहीं है, ये फ्राई होके ना खुद ही ऊपर आएगा। इसको फ्राई कर लें ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। भून लें अच्छी तरह, जरा से अच्छी तरह से फूल जाएंगे, जरा से फ्राई हो जाए गोल्डन फ्राई, तो हम निकाल लेंगे। फिर हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार। मंदर कर दिए। ये देखिए जी, अब हमारे ये पक्के तैयार हो गए हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, फ्रेंच फ्राइज बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए क्रिस्पी बनी है, आप खाइएगा, बहुत अच्छे बने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बने हैं, आप ज़रूर बनाइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।